Good morning, princess. Good morning, good morning, Ucho, Ucho, Ucho. बुढ़िया रानी मेरे प्रिंसेस, मेरा गुड को, मेरा छोटू, मेरा बेटू, मेरा पीहू, अरे मेरी कैटी, म्याओ, म्याओ। लेट हो जाएंगे हम, अरे भाई लेट हो जाएंगे हम। बाय गाइस। बाय पापा। उठ जाया करो यार टाइम से, देखो धूप भी आ गई अब तो। पापा रेडी भी हो गए ऑफिस जा रहे थे। बाय कर दो, अब तो उठ जाओ यार। ये उठ ही नहीं रहा है पापा, क्या करूं मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अवर चैनल रोशनी जाखड़ व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और देखिए सुबह सुबह का समय है, पीयू को मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ और ये बिल्कुल नखरे कर रही है। और आपने व्लॉग्स में देखा होगा कि हमेशा जब भी मैं सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन व्लॉग करती हूँ, पीहू सुबह सुबह मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि पीहू सुबह सुबह 6 बजे उठ गई। और देखो स्कूल जाने वाले दिन इसके इतने नखरे होते हैं, आंखें तक नहीं खुलती और सच में इसके आईज नहीं खुलती। और यहाँ पे मैं इसकी बॉडी चेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी गर्म भी लग रही थी और थोड़ी पीहू सुस्त सी लग रही थी। तो मुझे लगा क्या पता रात को ठंड वरना लग गई, अभी आती ठंड है बच्चों को लग जाती है, रात को ओढ़ने का मन नहीं करता है, गर्मी लगती है फेंक देते हैं। तो एनीवेज अभी यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी का प्यार चल रहा है, पीयू की नींद उड़ाने की कोशिश की कि ताकि थोड़ी सी वो एक्टिव हो जाए और फटाफट से रेडी हो जाए, वरना मुझे इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि हर चीज़ के लिए मनाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए खुश करना पड़ता है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे सुबह सुबह कितने आराम से या कितने मुश्किल से उठते हैं, कितनी देर सोते हैं, कितनी देर नखरे करते हैं और आपको कितनी रिक्वेस्ट करके उनको उठाना पड़ता है। तो मुझे तो भाई बहुत टाइम लग जाता है, बहुत उसको सहलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर इसका मूड फ्रेशन अप करना पड़ता है और फिर कहीं जाके ये उठने लायक होती है। और मुझसे ढेर सारा लाड प्यार करवाने के बाद पहुंच चुकी है पीयू अपने पापा के पास, क्योंकि ये अमित अभी जा रहे हैं ऑफिस और पीयू तो जस्ट अभी उठी है। तो बस अभी मैं पीयू को रेडी वगैरह करूंगी, उसको नहलाऊंगी, तैयार करूंगी, खाना खिलाऊंगी, उसका टिफिन पैक करूंगी, उसको ड्रॉप करने के लिए जाऊंगी। और अभी अमित जा चुके हैं ऑफिस, तो बस गेट वेट बंद कर दिया मैंने और अब आते हैं। छू गया तुम इसके अंदर कुछ के? चूहा, चूजा। अभी दूध लेके आती हूँ, ओके 2 मिनट्स में दूध बन रहा है आपका। ये सबसे सॉफ्ट वाला चुपता कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो गाइस हमारा ये चूजा तैयार हो गया और ये सेटिस्फाई नहीं है इस स्वेटर से, ये चुपता है वो चुपता है, जबकि इतना ज्यादा सुपर सॉफ्ट वाला ये फेदर वाला स्वेटर है ना, इसके नाटक खत्म ही नहीं होता। चलो अब चलते हैं, चला फटाफट से, चलो लेट्स गो। भाई साहब इनको तैयार करना है, कोई जंग जीतने के बराबर है। चलो आओ, लिफ्ट प्रेस करो, करी कर दे। ओके मैं लॉक लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है, उसको दोबारा से प्रेस करो एक बार, आप अंदर मत घुसना। अब प्रेस करो, अब प्रेस करो, फर से प्रेस करो, नीचे चली जाएगी। मैं मैंने चप्पल पहन लिए। अब ये वाली आ गई, चलो 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 चलो, मेरा गुड का मम्मा का खेरो। वैन का लोड कर दे। हाँ। नहीं रही आपकी वैन? हाँ। कब आएगी? पता नहीं, सोच लो। सोच रही हूँ मैं भी। सो गाइस फाइनली पीयू को ड्रॉप करके आ गई हूँ, उसकी कैब आ गई थी और धूप निकल चुकी है और अब पियेंगे चाय। चाय तो क्या, सबसे पहले पानी पियूंगी, सुबह से उठ के पानी तक नहीं पिया, इतनी भागदौड़ हो जाती है ना सुबह 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 सुबह, मतलब पानी पीने को टाइम नहीं मिलता है। अब फुर्सत से बैठ के पहले पानी पियूंगी, फिर सोचूंगी क्या ब्रेकफास्ट बनाऊं क्या खाऊं, क्योंकि सुबह सुबह तो यार मैं बनाती हूँ खुद के लिए तो ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं साथ में मेरे लिए तो बनाती नहीं क्योंकि खाने को टाइम मिलता नहीं है, तो क्या फायदा उसको बना के ठंडा करके फिर ठंडा ठंडा खाऊं, जब खुद ही बना रही हो तो एटलीस्ट खुद के लिए गरम गरम तो खाऊं। कभी कभी बना देती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती, आज नहीं बनाया तो आज अब भी बनाऊंगी और खाऊंगी। और आज शाम को अमित के एक फ्रेंड है, उनकी शादी है, तो अभी शादी तो बाद में, मतलब बाद में क्या है,
थोड़े दिनों में, और आज उनके वहाँ पे है वो, आज उनके घर पे सुंदरकांड का पाठ है तो उनके वहाँ पे जाना है। यहीं पे नोएडा में रहते हैं वो, तो शाम को वहाँ जाएंगे 4 से 6, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं 4 बजे निकल जाए। एनीवेज अभी स्टार्ट करते हैं आज का दिन। ओके गाइस चलिए, अभी बेल बजा दी, ये थे हमारे गार्बेज बैग्स, सोसाइटी वाले प्रोवाइड करते हैं हर महीने, इसको मैं डाल देती हूँ स्टोर में। हाय गाइस आई एम बैक। सो अभी ना मैं निकाल रही हूँ कपड़े, निकाल ले रही हूँ, ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं आज शाम को पहनना क्या है। जैसे कि मैंने बताया आज हमें जाना है किसी फंक्शन में। सो यार सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि पहने क्या। यहाँ पे मेरे पास मतलब सब कपड़े नहीं है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और दूसरा मेरा हैंड वैक्स नहीं है, मेरी देखो थ्रेडिंग भी नहीं बनी हुई है, सो मैं पूरी तरीके से भूत बनी हुई हूँ। तो कुछ ऐसा पहन लूँ कि थोड़ा इंसान लग जाऊँ। और आपको लगता होगा ना रोज़ मैं पीले टी शर्ट में ब्लॉगिंग करती हूँ कि कपड़े चेंज नहीं करती है, एनीवेज ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैंने ये अभी फुल स्लीव्स के खरीदे थे 4 टी शर्ट, ठीक है, तो उसमें से 2 आ गए मेरे क्रॉप टॉप, आ गए नहीं मतलब मैंने खरीदे, तो वो ना थोड़ा घर में पहने मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा ना वो थोड़ा ऊंचे ऊंचे से ना, ना मुझे इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं लगते हैं। राइट, ये वाले 2 कहाँ गए, ये वाले 2, ठीक है, लेवेंडर कलर और पिंक कलर के 2, ये हैं, एक ये है और एक ब्लू कलर का है, ठीक है। तो जिस दिन शायद मैं वो ब्लू वाला पहनती हूँ उस दिन शायद मैं ब्लॉग नहीं करती, और जब ये पहनती हूँ तभी ब्लॉग करती हूँ। तो मेरे अभी रिसेंटली मैंने खुद ने नोटिस किया कि मेरे सारे ब्लॉग्स में मैंने पीला टी शर्ट ही पहना हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया। एनीवेज मैंने कुछ और भी खरीदे विंटर वियर्स लाइक एक ये वाले, मैं बताती हूँ एक मिनट अच्छे से रुको। एक्चुअली मैंने विंटर वियर्स और भी खरीदे लाइक ये ऐसे वाले हुडी वाला है, ये जो सॉफ्ट वाले नहीं आते, ये वुलन्स वाले, एक ये सेट है इसके साथ, ये पजामा है ब्राउन कलर का, और एक ये है पिंक कलर का, और इसके साथ ये पजामा, इसके साथ ये हुडी वाला नहीं है, ये मैंने प्लेन वाला लिया। तो ये अभी क्या इतनी ठंड नहीं है यार, तो फिर ना रात को गर्मी लगती है, और मेरी वो आदत नहीं है कि दिन में कपड़े चेंज रात को चेंज, मैंने ऐसा कभी किया नहीं, जो दिन में पहनते वही रात को पहन के सो जाते हैं, तो वो मेरी आदत नहीं है। तो अभी इनमें गर्मी लगती है इसलिए आपको मुझे इसी टी शर्ट में देखना पड़ेगा बहुत सारे ब्लॉग्स में। सो ऐसा मैं सोचना कि कपड़े ही नहीं बदलती, रोज एक ही पहनती रहती है, क्योंकि एक दिन ये पहनती हूँ और एक दिन वो दूसरा वाला ब्लू वाला पहनती हूँ, तो शायद जिस दिन ब्लू वाला पहनती हूँ उस दिन मैं ब्लॉग नहीं करती, और जिस दिन ये पहनती हूँ उस दिन मेरा ब्लॉगिंग हो ही जाता है। और ऐसा ऐसा मेरे पास एक और मैं बताती हूँ, सेम ये वाला, ये लास्ट ईयर मैंने लिया था ये। सो ये है तो काफी विंटर वेयर्स, लेकिन अभी इनको पहनने की जरूरत फील नहीं है, अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ी और ज्यादा ठंडी आ जाने तब मैं ये वाले पहनने स्टार्ट करूंगी, तब आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। एनीवेज चलो मुद्दे पे आते हैं, और क्या पहने है ना। राइट, मैं इसको यहीं रखती हूँ। सो यार पूजा वूजा है सुंदरकांड की है, तो मैं सोच रही थी साड़ी पहन लूँ, पर यहाँ पे मेरे पास साड़ियाँ लेटेस्ट वाली है नहीं, और ये कुछ पहले की साड़ियाँ हैं मेरे पास रखी हुई, बट इनके पेटीकोट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेटीकोट जो साड़ी के मैचिंग हो पोशाक के मैचिंग है, तो वो मुझे कभी वहाँ चाहिए होते जोधपुर, तो वो वहाँ पड़े। अब मैं साड़ी पहनना भी चाहूँ तो मेरे पास इनके पेटीकोट नहीं है, क्या करूँ। और दूसरा मुझे सारे ब्लाउज ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो ये बेचारे आएंगे ही नहीं मेरे शादी के, हैं सारे। एनीवेज अभी तो यार डोरी वोरी चलती भी नहीं है ना इनका, तो ये काफ़ी आउटडेटेड हो गए हैं कपड़े, पर स्टिल मैं सोचा कि पूजा है और पहन लेते हैं। ये साड़ी बहुत अच्छी है, शेडेड है, डबल शेडेड है, एंड इसका वेलवेट बॉर्डर है, एंड यहाँ पे मिरर वर्क है, तो है तो काफ़ी अच्छी, पर पहनूँ कैसे। इसके साथ पेटीकोट नहीं है यार, लेगिंग के साथ पहन लो गया, रेड कलर की लेगिंग तो बड़ी है मेरे पास। एक और है वाइट, एंड ये फ्लोरल प्रिंट में, ये फ्लोरल प्रिंट वाली, ये भी बहुत सुंदर है, बट क्या फ़ायदा है ना, कोई फ़ायदा नहीं है इसका भी। और मेरे पास 2 सूट भी रखे हुए हैं, ठीक है। वैसे तो ये मेरे को फुल स्लीव्स का चाहिए, सर्दी है ना यार, तो ऊपर स्वेटर जैकेट तो अब क्या ही पहनूं। सो मैं सोच रही थी कि कुछ, ये एक सूट है मेरे पास बेज कलर का, तो ये मेरे मामा ने दिया था मुझे शादी में, मतलब मुझे साथ ले जाके पसंद करवाया था कि ले ले, तो मैंने सोचा सूट ही ले लेते, साड़ियाँ लेंगे तो सब भी दे रहे हैं, तो सूट है वो ले लेती हूँ। और ये देखो इसके स्लीव्स भी फुल है, तो ये सर्दी में पूरा पहनने लायक है, बट मुझे आएगा नहीं, बहुत अच्छा है सूट तो, काफ़ी बेज कलर का है, ये कुछ इस तरीके का है, अनारकली, ये उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चलती थी ना अनारकलियाँ, और नीचे चूड़ीदार, अभी तो खैर नहीं चलता लेकिन ठीक है यार पहन सकते हैं यहाँ पे तो चलेगा। ये इसका चूड़ीदार है, ये इसका दुपट्टा है, बट मेरे आएगा नहीं, मुद्दा तो ये है ना बस आएगा नहीं। एंड इसकी बैक के पीछे पूरी नेट वाली ओपन बैक है, यहाँ से पूरी ट्रांसपेरेंट है ऐसी, तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है तो ये सूट तो, पर आएगा नहीं यार, मैं देखती हूँ उसमें अगर ऑप्शन है अंदर खुलने का, बट कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक सिंगल सिलाई ली हुई है देखो,
सिर्फ सिंगल सिलाई है इसमें। क्या किया जाए, एक और है बताती हूँ। एक ये वाला सूट है, ये यार जब मैंने लिया था ना, सोचो 2014 में लिया था, 4000 का ये सूट लिया था मैंने। सोचो 4000 का सूट मैं आज के दिन ना खरीदूं, लेकिन मैंने तब ले लिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसका इतना ज़्यादा फ्लेयर है ना, इतना ज़्यादा पता नहीं कितने मीटर का इसका फ्लेयर है, और बहुत ही अच्छा सूट है। उस टाइम पैडेड सूट्स नए नए आए थे, और इसका बहुत ही प्यारा नेक है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एवर ग्रीन में। मैं इसको कभी भी आज से 10 साल बाद भी पहन सकती हूँ, बट आना चाहिए। ये मुझे आज भी नहीं आएगा, मुझे पता है यार, मैं क्या करूँ, मैं क्या पहनूँ। साड़ियाँ हैं मेरे पास 3-4, बस वही दिक्कत है पेटीकोट नहीं है। एक साड़ी है ब्लू कलर की, उसका पेटीकोट है लेकिन उसका ब्लाउज स्लीवलेस है, तो सर्दी में उसको पहनने का कोई सेंस नहीं बनता, तो अल्टीमेटली मैं पहनूँ क्या। खैर कुछ भी होता है, तो एक मेरे पास एक और चीज़ है, मैं दिखाती हूँ। ये एक मेरे पास साड़ी है, ये मेरी लाइफ की पहली साड़ी है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार खरीदी थी। मेरी फ्रेंड की शादी थी बाड़मेर में, मेरी स्कूल फ्रेंड थी पायल, उसकी शादी थी तब मैंने खरीदी थी, और ये उस टाइम जस्ट ट्रेंडिंग थी ये साड़ियाँ, नेट हाफ नेट और हाफ वो कपड़े वाली। तो कलर इसका बहुत अच्छा है, बेज कलर और पीच कलर, जो कि आज भी बहुत अच्छा चलता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कलर होते हैं ना कुछ जो आउटडेटेड हो जाता है, बट ये कलर ऐसा है कि कभी आउटडेटेड नहीं होगा। बहुत ही अच्छी साड़ी, बहुत ही अच्छी साड़ी, तो ये शायद मैं पहनूंगी किसी दिन, तो बताऊंगी। और इसको मैंने आज दिन तक सिर्फ एक ही बार पहना है, उसी की शादी में, उसके अलावा मैंने इसको कभी नहीं पहना है। तो इसका ब्लाउज भी देखूंगी, होगा तो पहनूंगी ना, वरना पहनूंगी क्या। चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ ढूंढती हूँ, अगर कुछ मिलता है तो बताती हूँ और आपको अपडेट करती हूँ कि शाम को क्या पहनते हैं। तो रेडी होकर तो खैर मिलना ही है, तब तक के लिए बाय बाय। हाय गाइस, सो अभी मैं खाना खा रही हूँ, खाने में लौकी की सब्जी और रोज तो मैं खैर पीयू के साथ ही खा लेती हूँ, पीयू के साथ साथ खा लेते हैं, और आज मुझे भूख लग रही है पहले, तो मैं पीयू के आने से पहले खा लेती हूँ फटाफट से, ताकि फिर उसको आराम से पिक करके आ जाऊँ। ये है मेरी सब्जी, रोटी, दही, रोटियाँ, काफी है। और पीयू के लिए मैंने दही बाहर निकाल दिया, फ्रिज से आएगी तब तक नॉर्मल, और मैं सेक रही हूँ अपने लिए पापड़। पापड़ खाने की मुझे इतनी आदत हो गई है ना हर खाने के साथ, पहले मैं कभी पापड़ नहीं खाते थे, स्टार्ट हो गया भाई। और ये पापड़ लाए हैं ना हम लोग, वो कौन सा विजय स्टोर से लेके आए, बहुत बड़ा पैकेट आया था 1 किलो का, हमने सोचा था कहाँ ही नहीं खत्म होगा हमसे, तो हम तो खा ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब तो खत्म होने वाला है जस्ट। अब अगली बार जाऊंगे तो मुझे फिर से लाना पड़ेगा, एना भी सेकते हैं पापड़ फटाफट, पापड़ जलना नहीं चाहिए। मुझे किसी ने बोला था कि पहले लड़कियों के रिश्ते होते थे पापड़ को देख के, कि कितना अच्छा पापड़ वो सेक सकती है, अगर वो जल जाता है तो उसका रिश्ता नहीं होता। मतलब लड़की की काबिलियत, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, पापड़ जल गया तो कुंवारी रह जाएगी। एनीवेज मेरी शादी हो चुकी है तो जल भी जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। खैर देखो लड़कियों की जिंदगी, उनको इन चीजों पे आका जाता है कि उसको रोटी बनानी आती है कि नहीं आती, उसको पापड़ सेकना आता है कि नहीं आता है, वो इंसान कैसा है, वो पढ़ा लिखा कितना है, उसमें समझ कितनी है, समझदार कितना है, कितना इमोशनल है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमका 2 टाइम की रोटी बढ़िया बढ़िया बना के देते, बढ़िया फुल के दे पतले पतले से, बढ़िया पापड़ सेक के दे दे, तो हम इससे शादी करेंगे, वरना ये लड़की रिजेक्टेड हमारे बेटे के लिए। एनीवेज चलते खाना खाने के लिए। यानी हमारी थाली तैयार, सब्जी, रोटी, दही, पापड़, सिंपल सा खाना। सो गाइज, मैंने खाना वाना खाया और तब तक पीहू को पिक करने का टाइम हो गया, और मैं जब उसको लेने गई तो ये कैब में सो रही थी, तो बस मैंने लाके उसको सीधा सुला दिया, ओढ़ा दिया। एंड इस व्लॉग को मैं अभी यहीं ख़त्म कर दूँगी, काफ़ी लंबा हो गया है, सो मैंने सोचा कि शाम का व्लॉग जब हम रेडी होकर फंक्शन में जाएंगे वो मैं अलग से सेपरेट आपके साथ शेयर करूँगी, सो नेक्स्ट व्लॉग वो आएगा तो आप देखना ना भूलें। एंड ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, और बस मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।